कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहे वो इसका पूरा होगा, देन जो नीचे स्टार्ट होगा वो अलग होगा पूरी बिल्डिंग का। ये सामने RBI बैंक है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि हमने लेंटर डाल दिया, अब लेंटर पूरा डल चुका है। लेंटर डलने के बाद हमने ईंटें लगा दिए पूरी साइट में। वो हमने इसलिए किए हैं क्योंकि एक तो हमें पाइप लगाना था, क्योंकि दो जगह पाइप लगे हैं, ये पानी और ड्रेनेज। जब पानी हम टैंकी लगाएंगे, जब पानी फ्लो करेगा, जो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो पानी वो निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसी जगह लगाएं जहाँ पर ड्रेनेज है। और ये आप जो खम्भे देख रहे हैं, जो हमने पहले से लगाए हैं, इस पर लगेंगी चारों तरफ बाउंड्री, कि उस साइड कोई बंदा गिर ना जाए। जिस साइड वो दिख रहा है आपको तीन, उस साइड कोई बंदा गिर ना जाए, इसलिए हमने यहाँ पे बाउंड्री लगा दी है कि कोई भी आए, कोई मतलब कि अगर सर्विस करने आएंगे, जो भी नीचे रहते हैं सर्विस के लिए, उनको कोई हार्म ना हो। और ये हमने यहाँ से प्लास्टर कर दिए, चाहे आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये हमने प्लास्टर कर दिए। अब यहाँ से भी पूरा प्लास्टर होगा। चाहे मैंने आपको आगरा स्टोन के बारे में बताया नहीं, जो ये रेड कलर का आपको पत्थर दिख रहा होगा, ये आगरा स्टोन है। ये हमने शटरिंग के लिए लगाया है। शटरिंग के लिए लगाने के बाद हमने ऊपर सरिये डाले, जो हमारा 10 mm by 12 mm का है, और हमने 6 inch by 6 inch का गैप छोड़ रखा है। जाल बनाया हमने इसका, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने 2 inch by 2 inch के पाइप लगा रखे हैं। ये हमारे ग्रिल बनेंगे बाद में, ये बेस होगा, क्योंकि ये ग्रिल बनेंगे, सॉरी बेस नहीं होगा, ये ग्रिल बनेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे कवर करने के काम आएंगे फोर साइड, क्योंकि 6 टैंकियाँ लगनी है और एक टैंकी 5000 लीटर है, तो टोटल टैंकी हमारी 6 हैं, तो 30,000 लीटर का वो वज़न आएगा इस पर। तो हम इस पर पूरी अच्छे से मजबूती दे रहे हैं, और हमारी ये साइट पे बहुत टाइम तक काम चलना है, मतलब कि हमारी साइट में 1 साल का काम है।